हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो हम लोग अपनी वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीएसएसटी डिपार्टमेंट को। तो आज हम लोग सीएसएसटी डिपार्टमेंट में गए हुए हैं और सीएसएसटी डिपार्टमेंट में बहुत सारी मशीन्स होते हैं जो कि स्टरलाइजेशन करती हैं। ठीक है, स्टरलाइजेशन करने के लिए बहुत सारी नई नई मशीन, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन है वो है ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ऑटोक्लेव में सारे इंस्ट्रूमेंट को, गाउन को, जो भी ऑपरेशन के दौरान यूज होता है, उन सभी आइटम्स को स्टरलाइज किया जाता है। वो इस तरह के जो ड्रम देखे गए हैं इस वीडियो में, उस तरह के ड्रम में अच्छे से पैक कर दिए जाते हैं। उसको क्लीन करके, वॉश करके, ड्राई करके, ठीक है, वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे, ओके, और उसके बाद इसे पैक कर देंगे। तो ये यहाँ पर डिसइंफेक्शन के लिए देखिए मशीन है, ऑटोक्लेविंग के लिए है, स्टोरेज के लिए है। ये जो मशीन दिख रही है ये हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव जो होता है वो स्टीम अंडर हाई प्रेशर पे इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यानी यहाँ पे पानी अंदर जाएगा, फिर वो स्टीम के फॉर्म में आएगा। उसके टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 15 पाउंड्स पीएसआई प्रेशर पे स्टरलाइजेशन होता है। और ये देखिए ड्रम है जिसमें सारे आइटम्स को वॉश करके, ड्राई करके और फिर इसे पैक कर दिया गया है। सारे डिपार्टमेंट से ऐसे ही आइटम जो हैं वो पैक करके ड्रम में यहाँ पे लाए जाते हैं और फिर उन सब का स्टरलाइजेशन करके फिर से उसी डिपार्टमेंट में यहाँ से वहाँ भेज दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब सभी डिपार्टमेंट का काम जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। ओटी में ऑपरेशन वगैरह होगा, सीएसएसटी डिपार्टमेंट में वहाँ पर स्टाफ होते हैं, उसके स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है, जो कि स्टरलाइजेशन प्रोसीजर को देखते हैं पूरा, उसका स्टोरेज कहाँ करना है, लेबलिंग कहाँ करना है, कहाँ अच्छे से स्टरलाइजेशन करना है, पूरी सेफ्टी को, उसके ट्रेनिंग को, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम होता है। तो ये हमारे सीएसएसटी डिपार्टमेंट का है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।